तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज का वीडियो स्पेशली यूट्यूबर के लिए और न्यू यूट्यूबर के लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने यूट्यूब वीडियो के लास्ट में एंड स्क्रीन लगा सकते हैं। जी हाँ, एंड स्क्रीन लगाकर बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर और अपना अच्छा खासा व्यू लाते हैं। तो आप लोग छोटे यूट्यूबर यह काम नहीं करते हो, जिससे आपका व्यू बहुत कम आता है। अगर आपका एक वीडियो वायरल हो गया, एक वीडियो पर अच्छा खासा 100-200 व्यू आ रहा है, तो इससे आप अगले कोई दूसरा वीडियो पर भी अपना अच्छा खासा व्यू ला सकते हो उस वीडियो के द्वारा। तो इसके लिए आपको एंड स्क्रीन लगाना होगा। तो कैसे आप अपना एंड स्क्रीन लगाएंगे, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं बहुत ही आसान तरीका। जैसे देखिए, हम मनोज देव को आपको सर्च करके दिखलाते हैं कि वो अपने सभी वीडियो पर एंड स्क्रीन लगाते हैं, और ख़ास करके जो उनका वायरल वीडियो है उन पर तो एंड स्क्रीन लगा हुआ रहता है। तो चलिए आपको पहले लाइव दिखलाते हैं इस तरह से आप कैसे अभी लगाएंगे। चलिए हम एक मनोज देव का यह वीडियो यहाँ सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिखाते हैं। पहले इसको लास्ट में ले आते हैं, हम देख सकते हैं। लास्ट में ले जाने के बाद देखिए, यहाँ अभी एंड स्क्रीन लगा हुआ है। ये वीडियो वायरल है इनका, और इसमें वो अपना एंड स्क्रीन लगाए हैं, दो दो वीडियो का एंड स्क्रीन लगाए हैं, जिससे यह फ़ायदा मिलेगा इनको कि जब भी कोई व्यक्ति इस वीडियो को देखेगा, कोई पर्सन इस वीडियो को देखेगा, तो यहाँ आपको उस व्यक्ति को दो वीडियो दिखाई देगा, जिससे डायरेक्ट वह व्यक्ति इस वीडियो पर भी आ जाएगा और उसको और अधिक व्यू मिलेगा दूसरा वीडियो पर भी। तो इस तरह कैसे आप भी अपने वीडियो में लगाएंगे, चलिए हम बताते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है क्रोम ब्राउज़र में, एंड क्रोम ब्राउज़र में आने के बाद आपको सर्च करना है इस तरह से यूट्यूब। सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और उसके बाद कर लेना है डेस्कटॉप साइड। तो डेस्कटॉप साइड किया हुआ है, तो इस तरह से आप भी कर लीजिएगा। एंड इसके बाद अब आपको वाइटू स्टूडियो, इसमें अभी ओपन नहीं होता होगा, तो आपको करना है वाइटू स्टूडियो ओपन करने के लिए आपको सर्च करना होगा यूट्यूब। ऐसे देखिए, पहले studio.youtube.com लिख के आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपका वाइटू स्टूडियो क्रोम ब्राउज़र में ओपन हो जाएगा इस तरह से। देखिए, आपका अभी वाइटू स्टूडियो क्रोम ब्राउज़र में ओपन नहीं होता होगा, तो इस तरह से आप studio.youtube.com लिख कर सर्च कीजिएगा। सर्च करने के बाद ओपन हो जाएगा वाइटू स्टूडियो आपके क्रोम ब्राउज़र में, और उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन एक मिल जाएगा गो टू वीडियो। देख सकते हैं यहाँ गो टू वीडियो जो है पब्लिशड वीडियो, जो आपका जो भी वीडियो है यहाँ आपको मिल जाएगा। गो टू वीडियो पर टैप करने के बाद सारा वीडियो आपको यहाँ मिल जाएगा। जिस भी वीडियो पर आपको ज़्यादा व्यू आ रहा है, 100, 200, 150, जिस पर भी ज़्यादा व्यू आ रहा है, उस पर आप लगा कर अच्छे खासे व्यू दूसरे वीडियो पर भी ला सकते हैं। तो इस तरह से ओपन हो जाएगा आपका सारा वीडियो। एंड इसके बाद हम दिखलाते हैं कैसे लगाना। जैसे देखिए, हम यहाँ इस वीडियो पर लगाते हैं जियो इमरजेंसी डाटा लोन वाला जो वीडियो है, इस पर हम लगा के आपको दिखलाते हैं। इसके लिए इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ आपको पेंसिल का एक आइकन दिखाई दे रहा होगा, उस पर आपको टैप करना है। एंड टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह से न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ देखिए बगल में आपको दाहिने तरफ एंड स्क्रीन का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, एंड स्क्रीन देख सकते हैं, इस पर आपको टैप करना है। टैप करने के बाद आपके सामने इस तरह से न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरह से आपके सामने भी ओपन हो जाएगा। तो कैसे इसमें आप अपना दूसरा वीडियो का एंड स्क्रीन लगाएंगे, इसके लिए आपको ऊपर में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा एलिमेंट का, देख सकते हैं। इस एलिमेंट वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एलिमेंट वाले ऑप्शन पर टैप करना है। एंड इसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो प्लेलिस्ट एंड सब्सक्राइबर, और लिंक उंक ऐड करने का सारा आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे आप ऐड कर सकते हैं, सब्सक्राइबर सब्सक्राइब करने के लिए भी आप ऐड कर सकते हैं, डायरेक्ट उस पर टैप करेगा तो सब्सक्राइब वाले बटन आ जाएगा। चलिए हम फिलहाल वीडियो लगा के दिखाते हैं आपको। वीडियो वाले ऑप्शन पर आपको टैप करना है, एंड टैप करने के बाद यहाँ मोस्ट रिसेंट अपलोड बेस्ट फॉर व्यूज, इस तरह से आप अपना कैटेगरी चूज कर सकते हैं। एंड चूज स्पेसिफिक वीडियो, आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं अपना वीडियो अपने पसंद से, जो भी वीडियो लगाना चाहते हैं। तो चलिए यहाँ से हम कोई एक वीडियो सेलेक्ट करते हैं। जैसे देखिए, हम इस वीडियो को फेसबुक पर गेम को लाइव स्ट्रीम कैसे करें, इस वीडियो को हम लगाते हैं एंड स्क्रीन में। तो इस वीडियो पर हमको टैप करना है इस तरह से। टैप करने के बाद देखिए, आपके सामने एंड स्क्रीन में इस तरह से लग गया, देख सकते हैं। देखिए इस तरह से आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कैसे अगर चाहते हैं फिर दूसरा कोई वीडियो का लगाना है, आप चार वीडियो लगा सकते हैं। तो फिर से आपको एलिमेंट वाले ऑप्शन पर चले जाना है इस तरह से, एंड इसके बाद फिर से जाना है वीडियो वाले ऑप्शन में, एंड इसके बाद फिर से चूज स्पेसिफिक वीडियो वाले ऑप्शन पर चला जाना है,
एंड इसके बाद फिर से आप किसी भी वीडियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे देखिए इस वीडियो को हम सेलेक्ट कर लिए एंड इसके बाद देखिए एंड स्क्रीन में ये आ गया। आप इस वीडियो को अपने हिसाब से जहाँ चाहे वहाँ रख सकते हैं इस तरह से, देखिए इधर चाहे उधर अपना सेट कर सकते हैं इसका। और इस तरह से सेट करने के बाद आपको ऊपर में ऑप्शन मिल जाएगा सेव वाला ऑप्शन, उस पर आपको टैप कर देना है एंड टैप करने के बाद यह वीडियो आपके एंड स्क्रीन में लग गया बहुत ही आसानी से। और इस तरह से अपना अधिक व्यू ला सकते हैं किसी एक वीडियो से किसी दूसरे वीडियो पर भी। तो ये था आज का वीडियो आप लोग के लिए। वीडियो से थोड़ा भी आपको हेल्प हुआ हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि चैनल पर हमेशा कुछ नया कंटेंट देखने को मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।